हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टेयरिंग गियर। ठीक है, या ये हो सकता है कि एमईके चैप्टर 6 हो। हम लोगों ने जीएसके कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग स्टेयरिंग गियर के बारे में जानेंगे कि स्टेयरिंग गियर शिप में कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, स्टेयरिंग गियर जब चलता है तो हमको क्या क्या चेक करनी पड़ती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे तो जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर खोजिए, वहाँ पर आपको जीएसके एमईके ओरल प्रैक्टिकल की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लॉकडाउन में जीकेटी का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टेयरिंग गियर में। वन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेयरिंग गियर। स्टेयरिंग गियर का फंक्शन क्या होता है, स्टेयरिंग गियर कैसे वर्क करता है एज ए शिप पर। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए स्टेयरिंग गियर का फंक्शन क्या होता है। इट इज टर्न टू द रडार एंड मेंटेन द शिप डायरेक्शन मोमेंटम ऑफ ए शिप। ये क्या करता है, तो शिप का जो रडार होता है उसको टर्न करता है और शिप के डायरेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टेयरिंग गियर जब तक शिप में नहीं होगा, शिप पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड नहीं जा सकती है। तो फिर से आप लोग इसको हिंदी में समझा दिए कि ये स्टेयरिंग गियर क्या होता है। तो ये रडार को, जो नीचे रडार लगा होता है, उसको टर्न करता है और ताकि शिप का मूवमेंट हो सके और शिप का डायरेक्शन मेंटेन होते रहे। तो फिर इसको कैसे अप्लाई करेंगे आप, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेयरिंग गियर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेयरिंग गियर, इट इज़ टर्न टू द रडार एंड शिप मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, इट इज़ टर्न टू द रडार एंड मेंटेन द शिप डायरेक्शन और मोमेंटम ऑफ ए शिप। ठीक है, यानी ये शिप का डायरेक्शन को मोमेंट करता है। अगर आपको इतना भी बोले नहीं आया तो आप इस तरह हिंदी में बोल सकते हैं, सर स्टेयरिंग गियर का काम ये होता है कि शिप के रडार को टर्न करता है ताकि शिप का प्रॉपर डायरेक्शन बना रहे। इट इज़ टर्न टू द रडार एंड मेंटेन द शिप डायरेक्शन मोमेंटम। ठीक है, तो ये नंबर वन हम लोग का हो गया। नंबर टू की बात करें, वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्टेयरिंग गियर। सब चीज़ का एक एक एरिया होता है जहाँ पर सब चीज़ को रखा जाता है, तो उसी तरह के स्टेयरिंग गियर होता है, उसको किस एरिया में इसको सिक्योर करके बढ़िया से रखा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्टेयरिंग गियर, ये स्टेयरिंग गियर का शिप में किस जगह पर स्टेयरिंग गियर को रखा जाता है। ठीक है, तो वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्टेयरिंग गियर, स्टेयरिंग गियर को शिप में कहाँ रखा जाता है, तो इट इज़ आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम इन ए सेपरेट रूम टर्न टू द रडार टॉप टू द रडार स्टॉप। ये क्या होता है कि इंजन रूम के आफ्ट में रहता है और एक सेपरेट रूम में रहता है और टॉप टू द रडार स्टॉप के ऊपर रहता है। ये क्या रहता है, इट इज़ लोकेटेड इन ए आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम इन ए सेपरेट रूम टॉप टू दी रडार स्टॉक। ठीक है, ये एक इसके लिए एक सेपरेट स्पेशल रूम बनाया जाता है, इसमें ये रहता है और इंजन के आफ्ट में रहता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम इन ए सेपरेट रूम टॉप टू दी रडार स्टॉक, और रडार स्टॉक के ऊपर ये जनरली फिट होता है। अगर आपको ये भी नहीं बोलने आता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, सर यह इंजन के आफ्ट साइड में रहता है और एक सेपरेट रूम में रहता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम इन सेपरेट रूम टॉप टू द रडार स्टॉक। आप इस तरह बोलेंगे तो परफेक्ट आंसर होगा। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए स्टेयरिंग गियर। ये सही है कि स्टेयरिंग गियर में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, यानी कौन कौन से चीज़ें स्टेयरिंग गियर में देखने को आपको मिलेगी। तो याद रखिएगा, स्टेयरिंग गियर में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक नंबर में होता है कंट्रोल यूनिट, दो नंबर में आपका होता है पावर यूनिट, तीन नंबर में आपका होता है एक्चुएटिंग यूनिट। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है, ये दोनों क्या होता है। और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेयरिंग गियर, स्टेयरिंग गियर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो तीन होते हैं, कंट्रोल यूनिट, पावर यूनिट और एक्चुएटिंग यूनिट। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, इसको भी आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा इन तीन चीजों में क्या क्या आती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में ये कंट्रोल करता है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। ये सबसे पहले ये ट्रांसमिट करता है, उसके बाद उधर से रिसीव करता है और रिसीवर फीडबैक भेजता है। ठीक है, जैसे ब्रिज से क्या करेगा, ब्रिज से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इंजन रूम में, और इंजन क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा और रिसीव करके वापस भेजेगा फीडबैक, तो वहाँ पर उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक आपका होता है ट्रांसमिट, दूसरा होता है रिसीवर, तीसरा होता है फीडबैक। ठीक है, पावर यूनिट जिससे स्टेयरिंग गियर चलता है उसको पावर यूनिट बोलते हैं। तो पावर यूनिट में कौन कौन होता है, तो पंप मोटर होता है। क्या होता है, पंप मोटर उसमें लगा होता है, और दूसरा जो होता है हाइड्रोलिक ऑयल होता है। स्टेयरिंग गियर दो चीज़ें से चलती है, एक पंप मोटर से भी चल सकता है और एक हाइड्रोलिक ऑयल से भी चलता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपकी होती है।
नंबर 3 में जो होता है एक्चुएटिंग यूनिट, इसमें क्या क्या होता है? तो एक्चुएटिंग यूनिट में क्या देखा जाता है, तो आपको जनरली इसमें देखा जाता है रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, और दूसरा जो चीज़ आपको देखा जाता है वो होता है रडार स्टॉक। रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट और दूसरा होता है रडार स्टॉक, ठीक है। तो ये नंबर था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टेयरिंग गियर, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टेयरिंग गियर, कंट्रोल यूनिट, पावर यूनिट एंड एक्चुएटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट्स आर 3 कंपोनेंट्स, ट्रांसमिट, रिसीवर एंड फीडबैक। पावर यूनिट में क्या होता है, तो पावर यूनिट में आपका होता है पंप मोटर और हाइड्रोलिक ऑयल, और एक्चुएटिंग यूनिट में दो चीज़ें होती हैं, रैम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, और जो दूसरा चीज़ होता है उसको बोलते हैं रडार स्टॉक, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको खत्म कर दिया। नंबर 4 की बात है, व्हाट इज द फीडबैक सिस्टम ऑफ ए स्टेयरिंग गियर। स्टेयरिंग गियर में जो फीडबैक सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो दिस सिस्टम इज टू इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ ए शिप ऑन ए ब्रिज। दिस सिस्टम इज इंडिकेटिंग पोजिशन ऑफ ए रडार ऑन द ब्रिज। ये ब्रिज पर क्या करता है कि ब्रिज में रडार का पोजिशन बताता है कि जो आपका नीचे का जो रडार है वो किस पोजिशन पर है। दिस सिस्टम इज इंडिकेटिंग पोजिशन ऑफ ए रडार ऑन ए ब्रिज। ब्रिज पर ये क्या करता है, तो शिप का पोजिशन को बताता है रडार के। विच इज द कंट्रोल द पंप ऑपरेशन, बोल रहा है कि पंप ऑपरेशन में आपको क्या कंट्रोल करना है, तो 3 चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है आपको, एम्पलीफायर, रिसीवर और लिंकेज। याद रखिएगा, एम्पलीफायर, रिसीवर और लिंकेज। फिर से सुन लीजिए, 3 चीज़ें आपको कंट्रोल करके रखनी होती है। विच इज कंट्रोल द पंप ऑपरेशन, पंप ऑपरेशन में कौन 3 चीज़ें कंट्रोल करता है, एम्पलीफायर, रिसीवर और लिंकेज। नंबर 6 की बात कर लें, व्हाट विल बी चेक वाइल टेकिंग राउंडिंग अराउंड द स्टेयरिंग गियर। बोल रहा है कि मान लीजिए कि स्टेयरिंग गियर में आपको कोई इंजीनियर आपको बोल दिया कि जाओ स्टेयरिंग गियर को देख के आओ कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आप जाकर स्टेयरिंग गियर में आप क्या क्या देखेंगे, तो ऑयल लेवल इन टैंक, आपको सबसे पहले ऑयल लेवल चेक करना है टैंक में प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा नंबर आपको चेक करना है पंप मोटर लोड, यानी जो पंप का जो मोटर लोड है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि लीकेज, आपको लीकेज चेक करना है किसमें, तो पाइप जो पाइप ज्वाइंट होता है उसमें चेक करना है, और आपका जो रैम सील्स होता है उसमें भी आपका लीकेज चेक करना है, जो रैम अरेंजमेंट बताया है ना उसमें भी आपको चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है एबनॉर्मल नॉइज एंड वाइब्रेशन, आपको 4 चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ऑयल लेवल इन ए टैंक, पंप मोटर लोड, लिंकेज, रैम सील्स एंड उसके बाद रैम सील्स एंड पाइप ज्वाइंट, उसके बाद आपका एबनॉर्मल नॉइज एंड वाइब्रेशन, ये 4 चीज़ें आपको चेक करने ही पड़ेगी। नंबर 7 की बात कर लें, व्हाट विल बी कॉन्सिक्यूंस इफ ए स्टेयरिंग गियर फेल्स। बोल रहा है कि वो क्या परिस्थिति हो जाएगी जब स्टेयरिंग गियर फेल हो जाए, जब स्टेयरिंग गियर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो शिप कैनॉट मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ ए शिप, शिप कैनॉट मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, शिप कैनॉट मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन। सबसे पहले शिप जो होता है अपना डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा, जब डायरेक्शन मेंटेन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगी या शिप डूब जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंकिंग। तो जब ये व्हाट विल बी कॉन्सिक्यूंस इफ स्टेयरिंग गियर फेल, जब स्टेयरिंग गियर फेल हो जाएगा, स्टेयरिंग गियर तो मैंने आपको बताया था कि स्टेयरिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, किसी को याद होगा तो बताएगा, मैनुअल होता है, ऑटो पायलट होता है, इमरजेंसी स्टेयरिंग गियर होता है, नॉन फॉलोअप स्टेयरिंग गियर होता है। लेकिन अगर चारों फेल हो जाए तो क्या होगा, शिप डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगी, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा, नहीं तो ग्राउंडिंग हो जाएगी, नहीं तो शिप सिंकिंग यानी डूब जाएगी। तो ये 4 चीज़ें होंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, या कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।